चलो फाइनली हमारा काम पूरा हुआ, अब जाकर आराम करेंगे, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। एक मिनट, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है, जल्दी से जाकर चेक करते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो एक लड़की मुसीबत में है, कुछ गुंडों ने इसे उल्टा लटका कर रखा है और नीचे आग लगा दी है, हमें इसे बचाना पड़ेगा वरना इसकी जान भी जा सकती है। हे तुम लोग ये क्या कर रहे हो और इसे ऐसे उल्टा लटका कर क्यों रखा है, चुपचाप इसे नीचे उतारो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा, तुम्हें पता है ना ऐसे इसकी जान भी जा सकती है, बताओ ऐसा क्यों कर रही हो। देख थॉर, अपना तेरे से कोई पंगा नहीं है, पर इस लड़की ने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, पूरे 2 साल हो चुके हैं, जब भी हम इसे फोन करते हैं ये हमें उल्लू बना देती है, पर आज ऐसा नहीं होगा, या तो ये हमें पैसे देगी या हम इसकी जान ले लेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा करेंगे और अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, जाओ इसे सबक सिखाओ। ये क्या, इसके साथी तो हम पर हमला कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये लो, ये तो फिर से उके आ गए, तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी। अब बोलो क्या बोल रहे थे, तुम हमें सबक सिखाओगे। अरे नहीं, हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, समय समाप्त हो चुका है, तुम्हें सजा मिलेगी, ये लो। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, और तुम उनके पैसे टाइम से लौटा देना। ये क्या, ये थॉर का बच्चा हमेशा ही जीत जाता है, उसके पास जो हैमर है उसे ताकत उसी से मिलती है, अगर वो हैमर मेरे पास होता तो सोचो मैं कितना ताकतवर होता, मुझे वो हैमर चाहिए। अलेपल, तुम मुझसे कलोगे क्या, अपने घर की खील थोकोगे, तुम तो पता नहीं है थोलते वो हैमर लेना कोई आसान काम नहीं है, तू भी बोलते हो, ये तपना तोल दो। तुम हमेशा नेगेटिव बातें ही क्यों करते हो, चिंता मत करो हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक मिनट, हेला और लॉकी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ किया भी नहीं है। सबसे पहली बात, हम लॉकी नहीं है, लोकी है, और दूसरी बात, और तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी, मैं भी उसे हराना चाहता हूँ, आज तक उसकी वजह से मैं कभी एसगार्ड का राजा नहीं बन पाया। हाँ ये एकदम सही कह रहा है, सबको लगता है कि एसगार्ड में सबसे ताकतवर थॉर है, पर ऐसा नहीं है, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो है हेला। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो, मैं उसका हैमर लेने के बाद उसे ही कमजोर कर दूंगा, बस इतना बता दो कि ये हम करेंगे कैसे, हैमर चुराने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। मेरे पास एक प्लान है, हमें खबर मिली थी कि यहाँ कोई लड़की मुसीबत में है, जल्दी से जाके उसकी जान बचाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ तो भयंकर आग लगी है, हमें तुरंत अंदर जाना होगा इससे पहले कि ये घर जलकर खाक हो जाए, और साथ में वो लड़की भी। कहाँ हो तुम, अगर सही सलामत हो तो हमें आवाज दो, यहाँ से तो किसी के चिल्लाने की आवाज तक नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, ऊपर जाकर चेक करता हूँ, यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं है, कोई है तो अभी भी आवाज दे दो, हम तुम्हें बचा लेंगे, यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं। एक काम करता हूँ, इसमें जाकर देखता हूँ। ये क्या, यहाँ पर एक लड़की है, मुझे लगता है ये आग के धुएं की वजह से बेहोश हो गई है, हमें इसे जगाना होगा, जल्दी से जाग जाओ। एक मिनट, ये कहाँ गायब हो गई, अभी तो यही पर थी, हमने अपनी आँखों से देखा था। तो तुम्हारी आँखें खराब हो गई है। एक मिनट पेनीवाइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ बिना सोचे समझे यहाँ आऊंगा, ये मेरी साजिश थी जिसमें तुम फंस गए हो, जरा अपने पीछे देखो। क्या है हमारे पीछे, एक मिनट हेला लोकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम पेनीवाइज के साथ तो नहीं मिल गए। तुमने एकदम सही समझा, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। एकदम सही कहा, ये लो आया बड़ा हमें हराने वाला, देखो उसका हैमर गिर चुका है, अब जल्दी से वो मुझे दे दो, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। ओ गाइस यार, घर के कामों में पूरा दिन ही निकल जाता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, एक मिनट, हमारे घर कोई आया है क्या, शिनशन शॉप किसी से तो बात कर रहे हैं। अबे ये तो थॉर है, पर इसकी हालत इतनी डाउन क्यों लग रही है, क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना, तू इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, ऐसा लग रहा है किसी ने नली लगा के इसकी पूरी एनर्जी चूस ली है, मैं तो बोलता हूँ ग्लूकोन डी पी के आओ। दरअसल पेनीवाइज ने हमारा हैमर चुरा लिया है, हेला और लॉकी भी उसके साथ मिल चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बिना मेरे हैमर के मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। क्या बात कर रहा है, अबे यार ये तो मुसीबत हो गई, देख मैं तेरी
मदद करूंगा, मैं वो हैमर लेकर आऊंगा, पर उसके लिए मुझे एक हथियार की जरूरत पड़ेगी। तेरे पास स्टॉर्म ब्रेकर तो अभी भी होगा ना, वो दे देना मुझे, हम वो तुम्हें दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो भाई जल्दी दे, ये लो। चलो गाइस, स्टॉर्म ब्रेकर हमारे पास आ चुका है, अब जाके मैं उस पेनीवाइज के बच्चे को सबक सिखा सकता हूँ। थॉर तुम चिंता मत करो, मेयोनीर मैं लेकर आऊंगा और पेनीवाइज को भी अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा, तुम बस मुझे उस हैमर के पास पहुँचा दो। चिंता मत करो, स्टॉर्म ब्रेकर तुम्हें हैमर के पास पहुँचा देगा। अच्छा ठीक है। ओ भाई यार, इसकी तो मैं आराम से पहुंचा देता यार, ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं, यहाँ तो खाली बर्फ ही बर्फ है। एक मिनट, क्या ये कब्रिस्तान है? ये फ्रैंकलिन का बच्चा भी ना जब देखो मेरे बीच में आता रहता है, पर कोई बात नहीं, अब इसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। गड़े मुर्दो जाग जाओ। ओ भाई साहब, अबे यार ये स्केलेटन कहाँ से आ गए? यार ये मुसीबत वाली बात है, इन सबको खत्म करना पड़ेगा। अबे नहीं यार, तेरी तो मैं ये ले। हो, क्या उड़ कर गया है, अब इनकी बारी है, ये लो और ये खाओ, कोई मुझसे नहीं बच पाएगा। तेरी तो मैं, थोड़े बहुत और बचे गाइस, इन्हें भी निपटा देते हैं। और ये ले इसकी तो। चलो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ के सारे स्केलेटन की वाट तो लगा दी है, पर यार पेनीवाइज कहाँ पर होगा और वो हैमर कहाँ पर होगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, तुमने बहुत गलत किया, ये लो। ओ भाई यार, क्या कस के पड़ी है, किसने मारा ये पीछे से, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अबे यार पेनीवाइज, चलो अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो हैमर चुपचाप मुझे दे दो। तुम्हें क्या लगता है, तुम बोलोगे और मैं दे दूंगा? चलो आओ साथ में खेल भी लेते हैं। हाँ नहीं तो मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये मामला मेरे और थॉर के बीच का है। हाँ पर दुश्मन तो तू मेरा भी है। हाँ तो ये लो, दुश्मनी निभाता हूँ। ओ इतना जल्दी, बात करते करते मारता है, बात करते करते मारते तेरी तो। नहीं तो उठना उठना, क्या हुआ तुझे, अभी तक हैमर यूज करने भी नहीं आता है, खाली बड़ी बड़ी बातें, खाली बड़ी बड़ी बातें, उठने ही नहीं देंगे गाइस। ओ ये क्या, लगता है ये तो यही बेहोश हो गया। चलो अब जल्दी से भाई ये हैमर लेते और यहाँ से निकलते हैं। बस थॉर अब तो ठीक है ना, बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ। हाँ मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं हुई, स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अगर तू जाता तो तू भी ले ही आता, पर शायद तुझे डर लग रहा था कि कहीं वह हेला और लोकी भी ना हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, अब तुम देखना हमारे पास हैमर आ चुका है, हमारी पूरी ताकत आ चुकी है, अब हम हेला और लोकी दोनों को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना, धोखेबाज है वो लोग। अरे जाओ झंडी गाड़ दो। झंडे तो क्या, मैं सब कुछ गाड़ कर आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो, देखना मैं कैसे उन दोनों की पुंगी बजाता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ, हमें जाके सबसे पहले लोकी को ढूंढना है, हम उसकी ताकतों को महसूस कर सकते हैं, हमें पता है वो कहाँ मिलेगा, पक्का अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ ही कर रहा है, जल्दी से पहुँचते हैं उसके पास, मेरा हैमर थोड़ी देर में मुझे वहाँ तक पहुँचा देगा, फिर हम बताएंगे। यहाँ पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई, ये कैसी जगह पर छुपा हुआ है वो? एक मिनट, ये कौन है? डिस्ट्रॉयर, तुम भी लोकी के साथ मिले हुए हो, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है, हम तुमसे डरते हैं? हाँ तुम हमसे डरते हो, तभी तो कायरो की तरह यहाँ छुप कर बैठे हो। हम छुप कर नहीं बैठे, ये हमारी जगह है, तुम यहाँ पर आए हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो देख लेते हैं किस में कितनी ताकत है, तुम हमारे बनाए हुए हो, हमारे पिताजी ने तुम्हें बनाया था, पर तुम भी उन धोखेबाजों के साथ मिल गए हो। ये तो तुमने एकदम सही कहा, ये अब मेरे साथ है और तुम इसे नहीं हरा पाओगे, ना ही मुझे, तो भलाई इसी में होगी कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मुझे एस्गार्ड का राजा बना दो। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं डिस्ट्रॉयर से पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे भाई हो, तुम समझते क्यों नहीं? भाइयों की बातें पूरी हो गई हो, तुम मुकाबला कर ले। रुक जाओ, पहले उसे मारूंगा फिर तुम्हें मारूंगा, याद रखना हमारी बात को। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था। हाँ तो ये लो और ये खाओ, हमने पहले ही कहा था धोखेबाजों के साथ हम कैसा सुलूक करते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमारे सामने नहीं टिक पाओगे, अब ये खाओ, तुम लोगों ने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब मनमानी करने की बारी हमारी है, अब ये लो। क्या हुआ, कैसा झटका लगा, अब ये खाओ, हम तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, नाम तुम्हारा वैसा है, काम हम वैसा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलो फाइनली इसे भी निपटा दिया है, पर ये लोकी कहा गया, वो रहा, ये क्या, भैया ने तो उसे भी हरा दिया, मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर उनसे लड़ना चाहिए, एक काम करता हूँ भागी जाता हूँ। लोकी तो वहाँ से भाग गया,
वरना उसका भी बुरा हाल करते। अब जाके पिताजी को देख आते हैं। वो ठीक तो है ना? ये क्या, एस्गार्ड में तो आग लगी हुई है, ये काम किसका होगा? हमें जल्दी से जाकर पता करना होगा। हमारे पिताजी ठीक तो है ना? पिताजी कहाँ पर हो आप? बेटा हम यहाँ है। एक मिनट, आवाज तो यही से आ रही है। हिमडॉल, पिताजी ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे जल्दी से बताइए ये काम किसका है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये काम हेला का है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हेला को भी तो ताकत एस्गार्ड से ही मिलती है। तुम एकदम सही कह रही हो, उसने एस्गार्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया, बस आग लगाई है ताकि अंदर के सारे लोग मर जाए। मेरी बात सुनो थॉर, उसने यह आग तो लगाई है पर जब मदद करने के लिए हल्क और आयरन मैन पहुँचे वो उन्हें भी मारकर अपने साथ ले गई। वो दोनों बहुत बुरी हालत में होंगे। क्या बात कर रही हो, हमें उन्हें बचाना होगा, वो हमारे दोस्त है। हेला तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हेला से इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। एस्गार्ड को आने के बाद ठीक करता हूँ, तब तक आप लोग कोशिश कीजिए जो कर सकते हो। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आप लोग भी चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए अभी मैं चलता हूँ। हेला तुम बचोगे नहीं, तुमने जो भी किया है हम उसका बदला लेकर रहेंगे। मुझे अपनी शक्तियों से पता करना होगा कि हेला कहाँ पर है। चलो पता चल गया, चलो हैमर, अब जाके पता करते हैं कि हमारे दोस्त ठीक है या नहीं, और हेला की पुंगी बजाते हैं। मेरा पूरा दिन बकवास गया। ये रही हेला। आयरन मैन, हल्क तुम ठीक तो हो ना? मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत गलत बोल रहे हो? तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अंदाजा तो तुम्हें नहीं है, तुमने क्या किया है? खुद के घर में आग लगा दी, मेरे दोस्तों को किडनैप किया, अब इसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी बात है तो लड़ो, आज पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो मुझे पता है मैं ही हूँ, पर आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा या मेरा राज होगा। मेरा, तुम्हें जो करना है कर लो। वो तो मैं करूंगी ही, तुम बस तैयार रहो। अरे बापरे, ये कहाँ गायब हो गए, अभी तो यही पर थी, ये भाग क्यों जाते हैं? अरे बापरे, आउच, रुक जाओ हेला, तुमने पीछे से वार किया है, योद्धा ऐसा नहीं करते। पर तुम्हारी नजर में तो मैं वो हुई नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और यहाँ सब जायज है। ऐसी बात है तो रुक जाओ, अभी हम तुम्हें बताते हैं, एक बार हमें उठने दो। ओ भाई साहब, ये लो और ये खाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, कब से देख रहे हैं तुम्हारा नाटक, खुद के भाई के साथ कोई ऐसा करता है। अब तुम्हें बताते हैं, ये लो, आज तुम्हारी सारी अकड़ निकाल कर रहेंगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि पिताजी ने तुम्हें नर्क क्यों भेजा था। अब ये लो, आखिरकार हमने हेला को हरा ही दिया, अब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफी हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को बचाने। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।